आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। रोहतक मकड़ौली टोल पर पहुंची भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान मजदूर व गरीब की वोट हासिल कर राजनीति दल पूंजीपतियों के हाथों में देश को बेच रहे हैं। जब तक ऐसे नेताओं को सत्ता से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता, इसलिए किसान आंदोलन में शामिल लोगों को ही राजनीति में आगे लाना होगा। चढ़ूनी ने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन में एकजुटता का परिचय दिया गया है उसे बरकरार रखने की जरूरत है। अगर हम अलग हो गए तो फिर नेता उनको कुचलने में देर नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी हमने मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया गया है जो पंजाब चुनाव से अपनी राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ करने जा रही है। उन्होंने हरियाणा के किसानों को पंजाब चुनाव में जोर शोर से अपना समर्थन के मुताबिक प्रचार प्रचार करना होगा। अगर पंजाब में आपकी जीत हुई तो फिर हरियाणा और अन्य राज्यों में भी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लोगों ने भरपूर सहयोग दिया जिसका वो दिल से आभार प्रकट करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता आलड़िया ने भी किसानों को संबोधित किया और कहा कि उनकी एकजुटता से केंद्र सरकार झुकने पर मजबूर हो गई है। यूनियन के जिला अध्यक्ष राजू मकड़ौली ने सभी का आभार प्रकट किया। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।